हेलो एवरीवन, इसी तरह के इम्पोर्टेंट और लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए चैनल को लाइक और मैं हूं मनोज कुमार और आपसे शेयर कर रहा हूं बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ जो के बार अलग है और ये इसलिए आपको बताना जरूरी है क्योंकि ये हर गांव और हर उस व्यक्ति के लिए है जो खेल से लगाव रखता है। हाँ बिल्कुल, आपको पता होगा राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक का आयोजन रहता है, जैसे ओलंपिक गेम का आयोजन जो होता है वैसे ही यहाँ पे राजस्थान में, हम बात करें अपने राजस्थान में ग्रामीण ओलंपिक गेम्स करवाए जा रहे हैं जो 14 नवंबर से होने वाले थे लेकिन कोविड-19 की वजह से इसको डिले किया था। अभी रिसेंटली अगर बात करें तो वापिस राजस्थान ओलंपिक गेम्स के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, तो जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो कर ले। अब इसको बताऊंगा कैसे करना, उससे पहले जान लीजिए कि क्या चीज़ है ये और इसमें कौन भाग ले सकता है। तो सबसे जरूरी, इसका नाम है राजस्थान ग्रामीण ओलंपिक। तो यहाँ पे सीधा सा पता है कि ये जो गेम्स हैं वो दो फेज यानी दो चरणों में होंगे, जहाँ पर हम बात करें सबसे जो पहला चरण है वो ग्रामीण स्तर पर होगा, ग्रामीण स्तर पर गेम आयोजित किए जाएंगे उनकी टीम बना के, फिर उसका जो सेकंड स्टेज होगा वो ब्लॉक और फिर राज्य स्तर पर होगा। तो ये बहुत ही बड़े लेवल पर ये राजस्थान ओलंपिक गेम्स करवाए जाएंगे, इसके फायदे क्या है वो बताऊंगा। फिलहाल आप ध्यान रखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जीके जो अपने करंट में भी आने लायक प्रश्न बनता है। तो 44,795 गाँव इसमें भाग लेंगे, जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतें 11,341 ग्राम पंचायतें हैं वह भी इस गेम्स में शामिल हैं, और जहां पर ब्लॉक स्तर पर ये गेम करवाया जाएगा तो 352 ब्लॉक स्तर है, यानी ये लगभग ब्रॉड लेवल पर बड़े लेवल पर ओलंपिक करवाया जाएगा हर गांव तक ये। अब इसका उद्देश्य क्या है, राजस्थान गवर्नमेंट का क्या उद्देश्य है ग्रामीण ओलंपिक करवाने का, तो यहाँ पे कहा गया है कि जो गांवों में छुपी हुई प्रतिभाओं को बाहर लाना और आने वाले जो एक अपने बात करें जो अच्छे से गेम्स होते हैं जैसे कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, तो उसमें राजस्थान का प्रदर्शन अच्छा हो सके। ठीक है, अब बात करें कि ये जो राजस्थान ओलंपिक्स गेम है ये हर गांव में आयोजित किए जाएंगे, तो अब इसमें कौन कौन से गेम्स होंगे, सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखिए कि राजस्थान ओलंपिक्स गेम्स में 6 गेम रखे गए हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला जो होगा कबड्डी होगा, यानी जो इंटरेस्टेड है वो रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो कबड्डी, वॉलीबॉल, हॉकी, शूटिंग वॉलीबॉल और टेनिस क्रिकेट, यानी जो टेनिस बॉल से क्रिकेट खेला जाता है वो, तो ये 6 गेम है जो इसमें है और उसके रिलेटेड जो इंटरेस्टेड है व्यक्ति प्रतिभागी वो भाग ले सकता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके अंतर्गत जो अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा राजस्थान गवर्नमेंट की ओर से, और साथ ही साथ जैसे मान लीजिए पंचायत स्तर पर अगर कोई वैकेंसी आती है तो उसमें उस सर्वोच्च प्रदर्शन करने वाले व्यक्ति को कह सकते हैं कि इसको छूट मिल सकती है, भर्ती में कुछ फायदा मिल सकता है। अब इम्पोर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे ध्यान रखना है वो ये कि ये जो ओलंपिक्स गेम है राजस्थान ओलंपिक्स गेम्स, इसका आयोजन ठीक है ना राजस्थान सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और खेल मंत्री अशोक संधाना ने कहा है कि ये जो खेल है वह 29 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर तक किए जाएंगे, यानी 35 दिन तक ये ओलंपिक गेम का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए जो खेल की जो मशाल है वो 29 मई से हर गांव और ब्लॉक के लिए रवाना हो गई है और हर गांव और ब्लॉक से वो गुजरेगी, यानी इस खेल मशाल का उद्देश्य है कि लोगों को जानकारी उपलब्ध करवाना कि भाई ये खेल है जो ग्रामीण और अपने राजस्थान में ग्रामीण स्तर पर किए जाए तो सभी उसका फायदा ले सकते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। और अब बात करें तो राजस्थान गवर्नमेंट का इसमें अनुमानित जो व्यय है ना, यानी वो कितना खर्चा करने वाली है, कितना खर्चा होगा राजस्थान ओलंपिक्स का, तो वो अनुमानित है कि 40 करोड़ रुपए का लगभग व्यय है वो इस अपने राजस्थान ओलंपिक्स खेल के अंदर किया जाएगा। तो ये बहुत ही जरूरी इम्पोर्टेंट है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि आप भी इसमें भाग लें क्योंकि
ये ग्रामीण स्तर पर होगा और ग्रामीण स्तर पर जो प्रतिभागी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेगा वो ब्लॉक स्तर पर जाएगा और ब्लॉक स्तर पर प्रदर्शन होगा वो राज्य स्तर की। तो ये जो प्रतिभाओं को निखारा जाएगा हो सकता है आने वाले सर्वोच्च स्तर पर मौका मिले। यानी कहते हैं ना कि जैसे आपने देखा होगा वर्तमान में अवनी लेखना जो बहुत ही पॉपुलर और शूटिंग बाज है जिन्होंने काफी अच्छा राजस्थान का नाम रोशन किया, तो ऐसे ही कुछ प्रतिभाएं हैं जो गाँव में जिनको वहां तक नहीं पहुंचने का मौका मिल रहा है, तो ये ग्रामीण ओलंपिक जो खेल होंगे इसके जरिए ये मौका उन्हें दिया जाएगा और उन्हें ये आगे आने का अवसर मिलेगा। तो अब मैं आपको बता रहा हूँ कि जो रिसेंटली वापिस इस गेम्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया ना, तो उसके लिए कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। और उस इस साइट का जो लिंक है जिससे आप अपने लिए आपका रजिस्ट्रेशन कर सके, तो इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे ऐप के जरिए या साइट से करें। तो राजस्थान ओलंपिक सर्च करें और ये सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे जो पहली साइट यहाँ पे आएगी राजस्थान ओलंपिक, इस पर क्लिक करें। इसके बाद आपको यहाँ पे जो विंडोज दिख रहा है यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट के बाद पंचायत, पंचायत के बाद आपको ग्राम पंचायत, ठीक है ना, पंचायत समिति ये सिलेक्ट करना है और फिर अपने गांव का जो नाम है वो यहाँ पे सर्च कर लेंगे। ये करने के उपरांत फिर आपको क्या करना है, आपको आपका खुद का जो भाग ले रहे हैं उसका आधार कार्ड मेंशन करें, नाम मेंशन करेंगे और नाम मेंशन करने के बाद आपको क्या करना है, एड्रेस, जेंडर यानी आपका जेंडर है वो लिखेंगे, मोबाइल नंबर वो भी सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे जो लास्ट में दिख रहा है ना सॉइज ऑफ गेम्स, यहाँ पे कैटेगरी आएगी, आपको जो आपका पसंद वाला गेम है वो सिलेक्ट करें और सबमिट कर दें, इसके बाद आपको मैसेज आएगा। ओके, तो अब देखा ये आपको डेफिनेटली अच्छा लगा और मैं तो चाहता हूँ आप अपने आस पास के आप खुद भी इसमें भाग लें, ठीक है ना, क्योंकि खेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्थी बेनिफिशियल होते हैं। और अच्छा लगा वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि नेक्स्ट टाइम अपडेट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा। थैंक यू।